सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। आईपीएल सीजन 12 अब अपने आखिरी हफ्तों में है। टीमों के लिए एक एक मैच जीतना बेहद जरूरी हो गया है। ऐसे में खिलाड़ियों से हुई एक गलती भी बड़ी हो जाती है। इस सीजन में टीमों की सबसे बड़ी परेशानी फील्डिंग रही है। ऐसा ही कुछ आईपीएल के 47वें मैच में हुआ, जब 232 के स्कोर का पीछा कर रहे मुंबई के बल्लेबाज कृणाल और हार्दिक पांड्या का बल्ला रन बरसाने लगा। ऐसे में उनकी जोड़ी को आउट करना केकेआर के लिए बेहद जरूरी हो गया था। 15वां ओवर डालने आए पीयूष चावला ने टीम को ये मौका दिया भी, लेकिन कार्तिक और रोबिन उथप्पा के बीच कुछ ऐसा हुआ कि ये मौका टीम के हाथ से तो निकल ही गया, लेकिन ये दोनों खिलाड़ी चोटिल होने से भी बाल बाल बच गए। 15वें ओवर की दूसरी ही गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में कृणाल ने कैच उठा लिया, लेकिन कार्तिक और रोबिन दोनों ही गेंद को पकड़ने दौड़ गए। इस दौरान दोनों ने ना तो एक दूसरे को देखा ना ही आवाज सुनी, जिसकी वजह से दोनों खिलाड़ी आपस में भिड़ गए, जिसके बाद रोबिन काफी गुस्से में दिखे, वही कार्तिक उनसे माफी मांगते दिखाई दिए। अगर आप आईपीएल के फैन हैं और आईपीएल 2019 से जुड़ी हर लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आपको यहाँ पर आईपीएल 2019 से जुड़ी हर खबर सबसे पहले मिलेगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।